अलवर के बांसुर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी मुकेश यादव ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बबेरा, उच्चपुर, महनपुर, मोरोड़ी, नांगल, लाखा, ढाकला सहित कई गांवों में आगामी चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार किया। इस दौरान ग्रामीणों ने यादव का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर यादव ने आम सभा को भी संबोधित किया एवं चुनाव में जनता के साथ की अपील की, जिस पर ग्रामीणों यादव को आश्वस्त करते हुए चुनाव में जीत दिलाने की बात कही। यहाँ जहाँ आपका ये गांव है, यहाँ के आसपास का विकास हुआ है या नहीं? काहे विकास है, देख लो ने, विकास की गंगा बह रही है, सब विकास नहीं। आपको क्या लगता है कि आपने अपना जीवन यापन इन स्थितियों में किया है, क्या आपके बच्चे या आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही बने रहना चाहती है? अया तो कोई बनो रहना पड़े, मैं अया का लठभर कहूँगा तो अया ही बनो रहना पड़े। कई दिन जाहिर कहाँ, इसको कैसे बदलोगे? अगर आप बदला तो आइए, कोई कर्मठ आज बढ़िया आदमी हुए, आपकी इस उंगली में कुछ पावर है। अभी तीन दिन ये मानी जाएगी, तीन से चार दिन, अब ये बहुत कीमती है। अभी कीमती से दिन पावर में टेकूंगा मैं, किस जगह टेकूंगा मैं। तो क्या मानना चाहेंगे कि वोट किस आधार पे करेंगे, पार्टी वाइज करेंगे या जाति के हिसाब से करेंगे या किसी कैंडिडेट को देख? कैंडिडेट देख देंगे, जाति रही तो सब भाई भाई हम। क्या क्या बात लगता है बाबू जी, आप अपनी बातों पर टिके रहेंगे या बदल जाएंगे 25 तारीख को? मैं तो खड़े भी पलटू ना, दुनिया आ जाए तो कौन पलटू। और कोई होगा भैया? मेरे को बोलो, चालू है? हाँ अशोक जी, हाँ जी, क्या नाम है आपका? अशोक मुखर्जी। अशोक जी, क्या आप जो वोट डालेंगे आप किन कारणों से डालेंगे? विकास के नाम पर। विकास अभी देर तक नहीं हुआ आपके यहाँ पे? नहीं हुआ सर। क्यों, ऐसा क्यों? आपके तो यहाँ के उद्योग मंत्री हैं। उद्योग मंत्री ने पूरे 5 साल में गुंडागर्दी चलाई है और किसी को कुछ काम भी नहीं करवाई। नहीं, वो गुंडागर्दी क्यों करेंगे? उनका क्या कारण है, उनका क्या मकसद है गुंडागर्दी? सही करना, उसको पैसा लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा, तो आपके यहाँ पे कोई उद्योग डेवलप हुए हैं? क्योंकि उद्योग मंत्री इस क्षेत्र के रहे हैं। हमारे गांव में आप जाके देख लो, कुछ भी नहीं हुआ। कोई नौकरियाँ? कुछ भी नौकरी नहीं, हम खुद बेरोजगार हैं। सड़कें भी नहीं हुई, लाइट आ जाती है यहाँ, कोई बल्ब वगैरह लगा हुआ है रात को रोशनी में? उसमें भी ताना सही होती है, कभी टाइम पर आ जाती है कभी टाइम पर नहीं आती है। अच्छा, तो आप क्या लगते हैं कि आप किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जो देश का एक अच्छा हिस्सा माना जाता है, बुरा हिस्सा? क्या करें, हमारे नेता ऐसे हैं, हम क्या करें इसमें? तो इस बार जो है परिवर्तन लेके आएंगे तो हम अच्छा नेता चुनेंगे। चलिए, बहुत